हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय एस बाई टेक्स बुक टेक्सट बुक्स यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आई एम सोनप्रिया होपफुली आप में से बहुत सारे लोग अब मैम को जानने लगे होंगे जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं सो so, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आई एम सोनप्रिया एंड येस प्लीज टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म है ना इट्स माई प्लेजर एक और चीज डेली करंट अफेयर्स की आपकी जो ये क्लास है ये मंडे टू सैटरडे हो रही है इलेवन फोर्टी फाइव पे सो so, आप आएँ तो इस क्लास को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं और पिछले जो क्लासेस हैं उसके जो करंट अफेयर्स हमने करें उसको भी कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर कर सकते हैं एंड डू इट यू नो वाई एम सेंग सो क्योंकि देखो अगर आपका एग्ज़ाम है वो कल या परसों नहीं है अब आपका एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मे में है सो so, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की जितनी भी सीरीज़ चल रही है उसको कवर करते रहेंगे साथ साथ में जितना भी आपका पर पीछे का छूट भी गया मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं या आप प्लेटफॉर्म पे हैं बट कर नहीं पाए हैं किसी वजह से तो जितना भी अपने टू वीक्स के अंदर है ना पिछले दो वीक्स के अंदर प्रीवियस टू वीक्स के अंदर जितने भी अपने करंट अफेयर्स के सेशन्स हुए हैं गो थ्रू दोशन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन और जो सोल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको भी द रीजन बींग अगर आप आसपास की चीजों को समझते हैं तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं हो सकता है एज इट इज यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो नहीं आए लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आसपास के जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं है ना या क्वेश्चन में जो इशू uh, डिस्कस किया जा रहा है उसको डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे राइट सो दिस इज द अप्रोच तो जो नहीं किया है आपने अगर तो पिछले दो हफ्ते के हैं वो कर लीजिए सैटरडे को हमने प्लेसेस इन न्यूज़ किया था आप में से बहुत सारे लोग जुड़े थे उनको पता है है ना सो वेरी क्वालिटी क्वेश्चन वर देयर यूपीएससी के पैटर्न पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेसेस इन न्यूज में सो डू दो राइट वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बस शुरू करने से पहले एक मिनट दीजिए टेलीग्राम चैनल देख लीजिए एट द रेट सोनप्रिया मैम टेस्ट बुक ठीक है ये अपना टेलीग्राम चैनल है इट इज एस टेस्ट बुक आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके आपको जो क्लासेस का पी वगैरह होता है वो मिल जाता है वहाँ पे सो so, अपनी जो मॉर्निंग में सेवन थर्टी एडिटोरियल की क्लास होती है उसके भी जो पिछले हफ्ते के जितने भी पीडीएफ्स थे मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स के भी पी आपको वहीं पे मिल जाएंगे वीकली ठीक है वीकली पी आपको वहां पे मिल जाएंगे तो डू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल बाकी शुरू करते हैं जस्ट यू मी अट सो दैट आई कैन सी योर कमेंट्स ओके गाइज most welcome to the session let's start without wasting any time for the first question is in front of you consider the following statements the summer solstice occurring on or around the ju uh, 21st june is the day of the year with the longest period of daylight in the northern hemisphere the second statement says the winter solstice occurring on or around december 21st is the day of the year with the shortest period of daylight in the northern hemisphere the third statement reads the summer and the winter solstices occur within this occur when the sun's path in the sky is farthest north or south from the equator kya lagta hai aapko isme se kaun se statement aapke correct hai regarding the solstices so, बहुत ही basic है आप जब geography पढ़ते हो है ना class सिक्स में हमारा शुरू होता है planets. राइट अर्थ का रोटेशन अर्थ का रिवोल्यूशन किस तरीके से आपका डे और नाइट होता है किस तरीके से आपके सीजनस अगर होते हैं सो so, हम सिक्स सेवेंथ क्लास में ये बेसिक्स पढ़ते हैं सो इट इज फ्रॉम दैट चैप्टर बताइए चलिए समर सोल्स्टिस पहले क्वेश्चन देखो समर सोल्स्टिस क्या ये जून ट्वेंटी फर्स्ट इसके इन एंड अराउंड होता है एंड क्या इस दिन आपका जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर है उसके अंदर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द डे होता है सेकेंडली जो विंटर सोलस्टेस है क्या ये डिसंबर ट्वेंटी फर्स्ट के अराउंड होता है और क्या ये आपके नॉर्दर्न हेमस्फेयर के अंदर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ डे लाइट होता है समर uh, और जो विंटर सोलस्ट हैं क्या ये तब होते हैं जब सन का जो पाथ है वो स्काई में आपके इक्वेटर से फार्देस्ट नॉर्थ या फारदेस्ट साउथ होते हैं राइट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल थ्री जो आप लोग कर रहे हैं सी है ना दैट इज द करेक्ट आंसर दैट इज द करेक्ट आंसर आपको पता है ट्वेंटी फर्स्ट जून अभी गया है है ना और हम इसको समर सोल्स्टिस कहते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर जब हम नॉर्दर्न हेमस्फेयर का लॉन्गेस्ट डे जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं राइट सो so, यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम समर सोल्स्टिस यानी कि ट्वेंटी फर्स्ट जून जो है उसके दिन सन की पोजिशन अर्थ देखें तो कैसी लगेगी आपको तो ये आपका अर्थ है और आपको पता है अर्थ जो है है ना उसकी एक्सेस टिल्टेड है 23.4 डिग्री पे टिल्टेड है, है ना उसका एक्सेस जो है एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो टिल्टेड है आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका आर्कटिक सर्कल है यानी आपका नॉर्दर्न पोल यहाँ पे आपका अंटार्कटिक सर्कल आपका सदर्न पोल जो है वो है और आप क्या देखते हैं कि जब समर सोल्सटिस होता है तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली आपका जो आर्कटिक सॉरी आपका जो पेन चेंज कर लेते हैं जस्ट कि मिनट आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली पड़ती है सो so, ये वाला जो डे होता है है ना हम क्या देखते हैं आपको पता है अर्थ जो है है ना वो खुद की पोजीशन पे भी रोटेट करता है और अ, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करने में ट्वेंटी फोर आवर्स लगाता है और इसी से आपका डे और नाइट होता है राइट सो so, इसके अलावा अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है उसके वजह से आपके सीजन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं अब आपके कुछ जो पर्टिकुलर डेज होते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, है अर्थ का और जब सन की रेस सीधे इक्वेटर पे होती है तो आपके नॉर्दर्न हेमिसफेयर में और आपके सर्दर्न हेमिसफेयर में जो डे और नाइट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है और इन्हें हम क्या कहते हैं इक्वीनोक्स इक्वल डे एंड नाइट है, है ना इक्वीनोक्स सो so, एक आपका होता है वर्नल इक्विनॉक्स एक होता है आपका ऑटम इक्विनॉक्स है ना स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड आपका ऑटम इक्विनॉक्स ये आपको आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्च 21 बाईस के बाईस के आसपास देखने को मिलता है और ऑटम इक्विनॉक्स आपको सेप्टेंबर बाईस तेईस के आसपास देखने को मिलता है और इसमें आप क्या देखते हैं इसमें आप देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर और सदर्न हेमिसफेयर के अंदर आपको डे और नाइट की इक्वल लेंथ देखने को मिलेगी लेकिन जब आपके सोलिस्ट होते हैं जब हम समर सॉलस्टिस की बात करते हैं जो कि आपका ट्वेंटी फर्स्ट जून के इनर अराउंड होता है तो आपकी जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ आपका जो कैंसर है उस पर सीधी पड़ती है है ना और आपका जो नर्दन हेमिस्फीयर है उसमें हमें लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है आपको देखने को मिलेगा कि उसके बाद में अगर हम विंटर सोलस्टेज की बात करें जो दिसंबर 21, 22 के आसपास होता है उसमें आपको रिवर्स सिचुएशन नजर आएगी यहाँ पे सन की जो रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर जो है उस पर सीधी पड़ती है सॉरी ट्रॉपिक ट्रो, ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन जो है उस पर सीधी पड़ती है और इस टाइम पे आपको आपके सदर्न हेमिसफेयर में लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है और आपके नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलता है तो ये सब बहुत ही बेसिक सी चीजें हम सिक्स सेवेंथ में पढ़ते हैं राइट सो इक्विनॉक्स मतलब इक्वल है ना इक्वल नाइट अगर हम आ, बोलते हैं आपका समर सोल्स्टिस तो समर सोल्स्टिस में हम क्या कहते हैं कि हमें अपने नॉर्दर्न हेमिसफेयर के रिस्पेक्ट में समर सॉल्स कब देखने को मिल रहा है जून ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड को जब सन की रेज सीधी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है और ये आपके नॉर्दर्न हेमिसफेयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है जब हम आपके विंटर सोलस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो सर्दर्न हेमोस्फेयर है उसमें जो आपका ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकॉन है उस पर सन की रेस सीधी पड़ रही है का टाइम है ट्वेंटी सेकेंड और नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में इस टाइम पे हमें डे की जो लेंथ है वो कम कम देखने को मिलती है ठीक है सनलाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग है सो so, बहुत ही बेसिक्स है अगर फिर से हम क्वेश्चन पे जाएं अपने पे तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल समर सोलस्टिस जून ट्वेंटी फर्स्ट के अराउंड होता है यानी रिसेंटली हमने अभी देखा था इस साल का और यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो डे लाइट होती है वो लॉन्गेस्ट होती है बिल्कुल विंटर में जो कि के अराउंड होता है हमें नॉर्दर्न हेमिसफेयर का शॉर्टेस्ट डे और सदर्न हेमिसफेयर का लॉन्गेस्ट डे दे दे देखने को मिलता है इसके अलावा जो आपके समर और विंटर सोलस्टेस हैं ये कब हो रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि सन का जो पाथ है स्काईमेट इस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर ठीक है और इक्विनॉक्स पे इक्वेटर पे होती है ठीक so, है सो आप देखोगे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये सो विल मूव फॉरवर्ड याद है ना सेवेंथ क्लास में डायग्राम पढ़ते होते हैं हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेम सेल्स इज इन अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जैसे साइंस में हम हमेशा आपको क्या कहते हैं कि साइंस में आप एक काम करिए कि आप सिक्स टू टेंथ की जो आपकी बेसिक एन होती है वो कवर कर लो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा ठीक है हम आपको साइंस का जो प्रेपरेशन करने के लिए गाइड करते हैं उसमें हम हमेशा कहते हैं कि आप साइंस के लिए सिक्स टू टेंथ की जो आपकी बेसिक एन होती है उसको आप कवर कर लें नई वाली एन से अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे जो आपके छोटे छोटे से बॉक्स दिए हुए हैं पीछे के जो क्वेश्चन दिए हैं कुछ थाट प्रोवोकिंग बातें लिखी होती हैं उसको सोच करके उसके अलावा हम आपको क्या कहते हैं हम आपको कहते हैं कि साइंस में जनरली करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपसे पूछे जाते हैं है ना ये बात हम हमेशा कहते हैं बट ध्यान रखना करंट में जो इश्यूज चल रहे होते हैं उसका भी जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है जैसे कि अभी स्टेम सेल्स हैं अब कोई भी बच्चा जिसने आपका है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा सो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा स्टेम सेल थेरेपी पढ़ा होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीज़ें और ये करना कहाँ से है आप देखो यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है प्रिलिम्स मेंस में एक या दो क्वेश्चंस तो आपको करना क्या है कि आपका एज फार एज़ आई रिमेंबर आपके ट्वेल्थ की बायोलॉजी है ट्वेल्थ की एन जो है आपकी बायोलॉजी की उसके पीछे आपको बायोटेक वाले चैप्टर्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर आपका ये जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गे ऑर्गेनिजम्स जी स्टेम सेल थेरेपी ये सब आपको देखने को मिलेगा प्लीज ट्राई टू कवर दैट पोर्शन अगर आपको कॉम्प्रीहसिवली साइंस का प्रेपरेशन चाहिए ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए तो सिक्स टू टेंथ की एन आप करेंगे अच्छे से हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होती है नई एन है कोई दिक्कत भी नहीं होगी आराम से अवेल कर सकते हो और एन कॉस्टली भी नहीं होती है, है ना बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट पर एन मिलती है बाकी तो बुक का मैं सोच सकती हूँ महंगी होती हैं तो टू की NCRT. उसके अलावा आप क्या करेंगे आप अगर साइंस के पोर्शन पे अच्छा कमांड चाहते हैं तो आप बायोलॉजी की जो ट्वेल्थ वाली बुक है उसके पीछे एक इकोलॉजी वाला चैप्टर है वो और दूसरा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर इसको बहुत अच्छे से कर लो बाकी फिर करंट इश्यूज पढ़ते रहो तो आपका कवर हो जाएगा साइंस ठीक है चलो स्टेम सेल्स है पोटेंशियल टू डेवलप इन टू मेनी डिफरेंट सेल्स टाइप्स इन दॉडी कह रहे हैं स्टेम सेल का जो पोटेंशियल है वो ये है कि वो डिफरेंट सेल टाइप्स जो है बॉडी में उसमें डेवलप हो सकती हैं फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सेल जो स्टेम सेल है वो आपकी ब्रेन की सेल्स भी बना सकती है वो आपके स्टमक की सेल्स भी बना सकती हैं है ना वो आपके लीवर की सेल भी बना सकती है क्या ऐसा होता है दूसरा एडल्ट स्टेम सेल्स कैन बी फाउंड ओनली इन द बोन मैरो कह रहे हैं कि जो आपके एडल्ट स्टेम सेल्स हैं मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ठीक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है और एडल्ट स्टेम सेल्स होता है तो क्या एडल्ट स्टेम सेल जो होती है ये केवल आपके बोन मैरो में मिलती हैं? तीसरा The use of stem cells in the regenerative medicine have been fully accepted and has no ethical considerations. क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है ये आपके एक दो तीन स्टेटमेंट्स हैं ठीक है ठेके? आपको क्या बताना है स्टेम सेल के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट है मैं साइड में हो जाती हूँ देख के चलो बताऊँ बहुत सारे लोग यहां पे आंसर जो है बिल्कुल ऋषभ यस गाइस बहुत सारे लोग आंसर जो इसमें बी कर रहे हैं <coughs> सो so, बिल्कुल है ना करेक्ट है चलो तो देख लेते हैं एक बार स्टेम सेल्स को क्या होता है बेसिक पहले देखते हैं ठीक है स्टेम सेल्स का बेसिक देखते हैं डायग्राम्स को जितना आप बायोलॉजी को डायग्राम से पढ़ेंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे सो so, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है राइट सो so, आप क्या देखोगे यहां पे आपको कहा गया है व्हाट इज अ स्टेम सेल सिंपल भाषा में अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए स्टेम सेल या एक मिनट है आपके कमेंट्स मुझे यहां विजिबल नहीं है जस्ट क्यू मे मिनट ओके गाइज एवरी वन प्लीज फोकस हेयर और सेशन को शेयर कर दो अगर आप कर सकते हैं तो ताकि और भी लोग हमें ज्वाइन कर पाए है ना चलो स्टेम सेल की बात हो रही है यहाँ पे सो so, अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछता है मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है जेनेटिक इंजीनियरिंग या कुछ नहीं पढ़ा है आपने और आपसे कोई नॉर्मल स्टेम सेल पूछे तो अगर आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो आप उसे क्या बोल सकते हो एक आपको ये पता होगा कि सेल जो होती है दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है ना एवरीथिंग थिंग स्टार्ट फ्रॉम अ सेल अगर हमसे कोई कहता है स्टेम सेल क्या है तो आप क्या कहेंगे कि एक सिंगल स्टेम सेल जो होती है वो अपनी खुद की भी रेप्लिका बना सकती है अपनी खुद की भी कॉपीज बना सकती है सो so, एक स्टेम सेल जो होती है उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो खुद डिवाइड होके खुद की रेप्लिका बना सकती है खुद की सेम कॉपीज या फिर आप देखेंगे कि वो डिफ्रेंशियट है ना डिफ्रेंशियट कर सकती है एंड अलग अलग टाइप की सेल्स में डेवलप हो सकती है फॉर एग्जाम्पल है ना आपकी लीवर की सेल्स में डेवलप हो सकती हैं आपकी ब्रेन की सेल्स में डेवलप हो सकती हैं आपके स्टमक की सेल में डेवलप हो सकती हैं सो विल गो बैक टू आर मेन थिंग वॉट इज स्टेम सेल है ना सो दीज आर इमेच्योर और अनस्पेशर और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स आगे क्या है दे कैन डिवाइड टू फॉर्म सिमिलर सेल्स एक सेल है वो दो में डिवाइड हुई है ना दो बनी ये दो आगे फर्दर डिवाइड हुई चार बनी इस तरीके से एक पूरा मास क्रिएट कर सकती हैं दूसरा क्या है दे कैन डेवलप इन टू डिफरेंट स्पेशलाइज सेल्स दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन अब आपको पता function perform है स्टमक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है लीवर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है आपका हार्ट अलग फंक्शन परफॉर्म करता है आपकी लंग्स अलग फंक्शन परफॉर्म करती है तो यस स्टेम सेल्स वो अनडिफ्रेंशिएटेड uh, या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएशन के वाया स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर डेवलप हो सकती हैं तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है स्टेम सेल्स क्या होती हैं? Yes, ये इमेच्योर हैं। है. लेकिन इनके पास में क्या पोटेंशियल है ये डिवाइड होके खुद की रेप्लिका बना के एक मास कर सकती हैं और साथ ही साथ में एक स्टेम सेल जो है है ना ये डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस के बाया स्पेशलाइज सेल्स जनरेट कर सकती है जो कि डिस्टिंक्ट फंक्शंस करेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने डायग्राम में देखा इट कैन डिफरेंशिएट डू मेनी सेल टाइप्स जिसके सबके अपने अपने फंक्शंस होंगे लीवर लंग के है ना आपके किडनी के आपके हार्ट के आपके स्टमक के अलग अलग तो सबसे पहले तो ये समझना होता है अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके जो स्टेम सेल्स होती है उसको हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे एक आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि आपके एम्ब्रियो जो स्टेज होता है उसके टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं एम्ब्रियो के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं और दूसरी आपकी एडल्ट स्टेम सेल्स जिनको हम सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं जिनको हम सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं और ये देखो कि आप जब आपका फीटल डेवलपमेंट शुरू होता है फीटल जब बन जाता है है ना इट अपेयर्स ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट एंड इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी थ्रू आउट द लाइफ आपको देखने को मिलेगा कि एक हो गया आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है थोड़ा सा एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में यहाँ देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिनका बायोलॉजी पे इतना ज्यादा कमांड नहीं होगा एक एक और चीज या क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको देख के आपको लग रहा है मुझे नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है उस क्वेश्चन को कभी लीव मत करना लाइफ में ठीक है चाहे क्वेश्चन हो चाहे लाइफ के सर्कमस्टांसेज हो ऑलवेज ट्राई ट्राई टू फेस योर फेयर अगर आप अपना फियर जो है उसको फेस करेंगे ना देखना धीरे धीरे करके फियर मेल्ट हो जाएगा फियर मेल्ट हो जाएगा ठीक so like, है ना एक बार पढ़ के देखते हैं क्या होता है सो so चलो आज पता चल गया कि यार लाइफ की शुरुआत सेल से होती है शुरुआत में जो ये सेल होती है, है ना इस ये सेल जो है ये क्या करेगी ये, ये जो सेल है इसके अंदर हम इसको कहते हैं टोटी पोटेंसी टोटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है यहाँ देखो लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है आप, आपको भी पता है मुझे भी पता है है ना बिल्डिंग ब्लॉक के लाइफ की अब जो एक सेल होती है हम क्या देखेंगे हम देखेंगे इसमें टोटी पोटेंसी होता है टोटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है आप देखोगे इट कैन फॉर्म ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी इट कैन फॉर्म ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द वंस इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो आपके प्लेसेंटा होता है उसमें जो सेल्स होती हैं, उस वो भी ये फॉर्म कर सकती है तो टोटी पोटेंसी का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल है टू डिफ्रेंशिएट इन टू स्पेशलाइज सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स और ये आप कब देखते हैं ये आप कब देखते हैं जब आपका जायगोड जो है ना, वो टू सेल स्टेज पे होता है टू सेल स्टेज पे आपका जाइगोट होता है। क्या प्लूरीपोटेंट जो है ये किसी भी सेल में डेवलप हो सकता है एक्सेप्ट फॉर दैट नीडेड टू सपोर्ट एंड डेवलप द फीटस इन द दूम सो प्लेसेंटल सेल्स के अलावा बाकी जो सेल्स हैं उन सब में वो सेल डिफ्रेंशिएट कर सकती है उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा मल्टीपोटेंट अब इनकी जो डिफरेंशिएशन की एबिलिटी है, है. है. तो है, है किसी भी टाइप की सेल में डिफ्रेंशियट होने की स्पेशलाइज होने की फिर उसके बाद में जो सेल आपको देखने को मिलेंगी है ना वो क्या रखती हैं वो आपका प्लूरी पोटेंसी रखती है यानी कि वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं

एडल्ट स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल की अगर आप बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपके बोन मैरो में और जो बाकी आपके ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपका लीवर है पेंक्रियाज है ब्रेन है है ना आपका डेंटल पल्प है आई है स्किन है आपका ब्लड है या आपका जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग है हर जगह पे आपको ये प्रेजेंट मिलेगी बट इनकी जो एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट इन टाइप्स ऑफ सेल वो लिमिटेड होती है वो

जाइगोट स्टेज पे, टू सेल स्टेज पे फिर उसके बाद में प्लूरी पोटेंसी फिर मल्टी पोटेंसी और उसके बाद में आप क्या देख रहे हैं यूनीपोटेंसी तो स्टेम सेल्स जो है येस दे हमें समझ में आ गया ये शुरू में अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं बट दे हैव द एबिलिटी कि अपनी रेप्लिका बना लें और साथ ही में डिफरेंट टाइप की जो स्पेशलाइज सेल होती हैं उसके अंदर भी डेवलप हो जाए अब अलग अलग जो स्टेजेस होता है आपका डेवलपमेंट का उस पर आपको जो स्टेम सेल्स है उसकी अलग अलग पोटेंसी देखने को मिलेगी तो हम शुरू में देख रहे हैं कि भाई टोटी पोटेंसी प्लूरी पोटेंसी फिर एक स्टेज आ जाएगा आपका जो फीटल सेल वाला जब हम कहते हैं कि एडल्ट सेल बनना शुरू हो गई है तो फिर वो क्या रखेंगे मल्टीपोटेंसी एंड आगे चल के आपको यूनिक पोटेंसी देखने को मिलेगी है ना ये चीजें हैं स्टेम सेल थेरेपी का आपने नाम सुना होगा स्टेम सेल थेरेपी अब इसमें स्टेम सेल थेरेपी में क्या होगा मान लीजिए आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज्ड है इंजर्ड है या डेड है और आप चाहते हैं कि आप जो है उस पर्टिकुलर पार्ट part को रिवाइव कर पाए रीजनरेट कर पाए तो आप क्या करेंगे आप जो है ना आपके से स्टेम सेल्स लेके आपका यहां पे कोई सर्जरी करना है तो उन्होंने कर दिया मान लो तो यस ठीक है आपका कोई सेल डेड है इंज्योर्ड है या फिर आपका डेमेज है और आपको उसको रीजनरेट करना है वापस लेके आना है तो स्टेम सेल्स जो सोमेटिक सेल्स से है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेम सेल थेरेपी, बट आप देखोगे कि क्या होता है कि स्टेम सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल आपको कब देखने को मिल रही है एम्ब्रियो तो को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उससे को अलग अलग टाइप के ऑर्गन प्रिपेयर किए जाते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उस टाइम पे है ना सो so, आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके टाइम पे आपका मल्टीपोटेंसी रखते हैं सो so, अगर मल्टीपोटेंसी रखते हैं तो हम क्या देखेंगे इसको आप अलग अलग टाइप के सेल्स में डेवलप कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को आप लैब में ग्रो कर सकते हो बट देन इट इज अनएथिकल है ना आप एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर रहे हो यू डू नॉट द पावर टू डिस्ट्रॉय व्हेन यू कैन नॉट क्रिएट अ लाइफ डू नॉट डिस्ट्रॉय इट राइट इट इजिकल इसलिए बहुत सारे लोग जो को करके, अलग अलग टाइप के लैब्स में देखेंगे हमने देख लिया आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है, है ना ये आपके इनिशियल स्टेजेस पे है आपके इनिशियल स्टेजेस पे है और आपके जो एडल्ट स्टेम सेल है वो आपके स्टेज पे हैं। सो so, यार यहां पे अगर आप एक बार डिफरेंस देखो तो आप देख सकते हो कि आपका जो एम्ब्रियोनिक yes, सेल है आप क्या देख रहे हो कि ये आई करेक्ट माई सेल्फ मल्टीपोटेंसी बोलता है हमने डिस्कस कर लिया तो इनिशियली टोटी पोटेंसी टू स्टेज डाइगॉट पे और उसके बाद में प्लूरी पोटेंसी रखते हैं पोटेंसी रखते हैं इसलिए आप एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करके इससे स्टेम ऑर्गन को, को ग्रो कर सकते हो बट यहाँ से बहुत सारे एथिकल इश्यूज जो है उसको रेज है उसको किया जाता आप देख सकते हो कि इससे है ना सेल कल्चर यानी कि एक पूरा मास डेवलप करना काफी इजी होता है क्योंकि इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है आपके अलग अलग स्टेजेस होते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो है ना पहले आपका मेल और फीमेल

बोन मैरो के साथ-साथ अलग-अलग ऑर्गन्स में ये आपको मिलती हैं और ये मल्टी पोटेंसी रखती हैं है ना ये मल्टी पोटेंसी रखती हैं तो इनका जो पोटेंशियल है टू डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स वो कम होते हैं एम्ब्रोनिक स्टेम सेल से और इनको आपके लैब में ग्रो करना और यूज करना काफी चैलेंजिंग होता है यहां चैलेंजिंग है वहां पे एथिकल इश्यूज भी हैं ठीक है थीके? सो so, ये तो निकालना चाहे तो आपके बोन मैरो में से निकाल सकते हैं स्टेम सेल्स वगैरह बट बोन मैरो से या किसी ऑर्गन से स्टेम सेल्स को निकालना उसको लैब में ग्रो करना है ना और प्रॉपर ऑर्गन डेवलप करना या पार्ट डेवलप करना इट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे इट इज ईजी बट अगेन आप एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर रहे हो विच यू डू नॉट हैव द राइट टू राइट अगर हम एथिकली देखें तो सो so, इसको लेकर के काफी कंसर्न्स रहते हैं तो ये बिल्कुल सही है स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैन डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप्स और दे कैन आल्सो जनरेट रेप्लिका ऑफ देमसेल्फ एडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं वो आपके बोन मैरो के साथ-साथ अलग-अलग ऑर्गन्स में मिलती हैं तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेम सेल्स जो रीजनरेटिव मेडिसिन में हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डैमेज्ड uh, क्या बोलते हैं इंजर्ड या डेड उसको रीजनरेट करने के लिए इसमें इसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया गया है there are ethical considerations, जैसे कि मैंने आपको बताया एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करके, so आपसे बिल्कुल जितनी ज्यादा नॉलेज उतनी तबाही। आई कंप्लीटली अग्री विद यू है ना इस मामले में सो so गाइज हम लोग आगे जाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व करें उससे पहले एक बार आपको निर्णय आई के बारे में बता देती हूँ ये आपका पेड बैच है क्लासेस शुरू हो गई हैं ट्वेंटी जून से आप चाहें एनरोल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या बुक की ऐप पे पे जाइए सुपर क्लिक कीजिए पे यूपीएससी सीएससी अपना गोल सेलेक्ट कीजिए ठीक है और फिर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं राइट right? क्या फीचर्स हैं तो पूरा लाइव कोर्स है आपका जीएस का आपको यहाँ पे एस मेंस आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी Uh, जो टॉप नोच इंस्टीट्यूशन हैं डेली के ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल रहा है डाउट रिजोल्यूशन है आपका वन ऑन वन मिनटोरिंग सेशन है दिस इज द स्पेशलिटी आपका मॉक इंटरव्यूज है एंड आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल सो एवरीथिंग विल भी प्रोवाइडेड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर टेकिंग योर क्लासेस ओवर देयर और आप चाहें तो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं आपके लिए ट्वेल्व मंथ्स का जो कोर्स है वो फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी नाइन में आ जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं सोनप्रिया एस ओ एन पी आर आई वाई ए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें भी क्लिक करोगे तो आप कोड यूज करोगे डिस्काउंट मिल जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली हैव लिमिटेड प्रोपल्शन सिस्टम्स एंड पावर रिजर्व सबमर्सिबल्स आर सेल्फ आर एंड आर इक्विप्ड विद पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम्स। क्या लगता है आपको इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं ओके ऋषभ गाइज आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत स्लो है ऐसा क्यों देखो क्वेश्चन ना आ, मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चंस करा सकती हूँ बट हम लोगों की टीम का क्या कंसर्न रहता है हम लोग सोचते हैं ना कि एटलीस्ट हम उस आपको वो क्वेश्चंस करवाएं जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि आसपास आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा है ना चांसेस वो रहनी चाहिए यार चलो बताइए सो so, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बी और सी आंसर मिल रहा है सबमेरिन जनरली हैव लिमिटेड प्रोपल्शन सिस्टम एंड पावर रिजर्व सबमर्सिबल्स आर सेल्फ प्रोपेल्ड एंड आर इक्विप्ड विद पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम्स गाइस द आंसर इज डी किसी ने तो डी लिखा है मनीषा ने वेरी गुड मनीषा ठीक है द करेक्ट आंसर इज डी आपको पता होगा ओशियन गेट करके एक कंपनी है जो काफी न्यूज में है आजकल है ना उन्होंने आपके टाइटेनिक एक्सपीडिशन पे एक जो सबमर्सिबल भेजी थी वो इंप्लोड हो गई है ना ऑल द ऑनबोर्ड और जो आपके सबमर्सिबल्स हैं उनका डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आप देखें तो आपके जो हैं और सबमर्सिबल्स हैं वॉट यू विल फाइंड दे आर वॉटर क्राफ्ट है ना जो कि अंडर वाटर ऑपरेट कर सकते हैं आप हम अगर सबमेरिन की बात करते हैं तो आपके जो सबमेर होती हैं दे आर सेल्फ सफिशियंट देफिशियंट आप यहाँ पे क्या देखेंगे दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट क्रूजिंग विद देयर ओन पावर सप्लाई एंड एयर रिन्यूएबल सिस्टम तो आप देखोगे आर ऑटोनोमस दे आर सेल्फ सफिशियंट है ना अगर आप यहाँ पे बात करें आपके सब की सो दे आर नॉट फुल्ली सेल्फ सफिशियंट दे नीड टू बी सपोर्टेड बाई अर बाय सर अ प्लेटफॉर्म शोर्टिंग लार्जस्ट सब मेरीन तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो ये ओशियन गेट कंपनी ने सबमर्सिबल भेजा था जो की इम्प्लोर्ड हो गया इस बात पर आपको क्या पता करना है कि सबमर्सिबल्स जो होते हैं दे आर नॉट अगर आप वैसे सबमरी के बारे में देखो तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू सबमर्सिबल्स वहीं पर आपके जो सबमर्सिबल्स होते हैं दे आर स्मॉलर एंड सिंपलर अगर हम स्केल की बात करें तो अगर आप सब में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इनको वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ है ना सो so, हम आई की बात करते हैं राइट सो so, वो सब हैं है सो सब जो है अगर हम इनकी बात करें तो इनको मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो जैसे कि आपका मिलिट्री पर्पस के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो वहीं पे आपका जो सबमर्सिबल होता है इनका अगर हम यूज देखें तो बहुत ही लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा है ना इनको जनरली रिसर्च के लिए या अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता है बट आपके सबमेर की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है आप इनको मिलिट्री साइंटिफिक रिसर्च कमर्शियल अपलिकेशन मल्टीपल परपज के लिए यूज कर सकते हैं सो so यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पे जाए तो क्या लिखा है कि सबमेर जो है दे हैव लिमिटेड प्रोपल्शन नो है ना दे डू नॉट हैव लिमिटेड लिमिटेड सिस्टम किसका होता है सबमर्सिबल्स का होता है का अनलिमिटेड है ना अनलिमिटेड प्रोपल्शन सिस्टम होता प्रोपल्शन सिस्टम होता है और उनके पास में पाउड पावर रिजर्व भी होता है एक्सट्रीमली सॉरी मेरा ना गला बिल्कुल गया हुआ है इनके पास में पावर रिजर्व भी होता है सबमर्सिबल्स को अगर हम देखें तो दे आर नॉट सेल्फ प्रोपेल्ड सबमेरी तो ये इंटरचेंज हुआ है पूरा है ना जो सबमेरीन बड़े बड़े होते हैं जिनको आप मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज करते हो वो सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं दे आर इक्विप्ड विद पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम्स वहीं पे सबमर्सिबल्स जो होते हैं आपके उनका लिमिटेड प्रोपल्शन सिस्टम होता है और इनके पास छोटे मोटे पावर रिजर्व्स होते हैं ठीक है सो ये इंटरचेंज हुआ है इनमें से कोई भी सही नहीं है सो so, आप यहाँ देखते हो ये सबमरीन है बहुत यूज कॉम्प्लेक्स है ना uh, इसको मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो सेल्फ प्रोपेल्ड होती है और यहाँ पे अगर आप देखो सबमर्सिबल सो स्मॉलर है ना स्मॉल इन साइज़ लिमिटेड के लिए यूज किया जाता है रिसर्च या अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए एंड ये लिमिटेड प्रोपल्शन सिस्टम प्राउड पावर रिजर्व पे बेस्ड होती है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द्रय तैत्र एनवी छांदोग्य हाउ मेनी ऑफ द अबो आर अमंग द टेन मेन और प्रिंसिपल उपनिषद वाई दिस इज इन द न्यूज एनी वन मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा दिस इज़ इन द न्यूज हम एकदम अचानक से हिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों करने लगे या आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन क्यों करने लगे लिटरेचर का एनी वन ट्राई टू शेयर द लेक्चर सी सो लेस पीपल आर वॉचिंग वाई सो देखो यार ऐसा होगा है ना आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा सो so यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है कुछ लोगों से डी कुछ लोगों से सी ओनली फाइव विच इज द करेक्ट आंसर ठीक है यस ओनली फाइव क्योंकि आप देखोगे कि जो आपका एनवी है है ना एनवी जो होता है ये आपका एक इमोशन है ईर्ष्या जो होता है है ना वो एक तरीके का इमोशन है सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ उपनिषद अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना उपनिषद है ना जिसको हम वेदांता कहते हैं वेदों का लास्ट पार्ट अब उपनिषद या जिसको हम वेदों का लास्ट पार्ट कहते हैं ये जो है ये हमें बेसिकली वेद जो है उनका जो कोर मैसेज है वो प्रोवाइड करते हैं कि आखिर जो वेदों में लिखा है वो कहना क्या चाहता है जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दू तो कथोपनिषद यहाँ नहीं लिखा है मैं बताती हूँ देखो कथोप निषि कथोपनिषद में एक बच्चा है जिसका नाम है नचिकेता और उसके फादर हैं जो कि कहीं के राजा हैं और वो एक यज्ञ कंडक्ट करवा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है वो पूरा रिचुअल्स कर रहे हैं ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं अपनी लंबी आयु के लिए और तभी यमराज वहां प्रकट होते हैं बच्चा जो है अपने पिता को बताता है कि ये जो आप पूरा सेरेमनीस कर रहे थे है ना ये जो आप कर्म कांड कर रहे थे ये सब कितना व्यर्थ है सो बेसिकली कथोपनिषद में ये जो पर्टिकुलर स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ ये फ्यूटिलिटी ऑफ जो रिचुअल्स है उस पर फोकस करता है ठीक है उस पर फोकस करता है तो आपके वेदों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं उनका कोर मैसेज क्या है उसको लिटरल सेंस में मतलब कोर मैसेज क्या है वो आपको कहाँ मिलेगा वेदांता या उपनिषद के अंदर अच्छा मैं आपसे चीज पूछती हूं मुझे ये बताओ एक होता है आपका स्मृतिज है ना स्मृतिज और दूसरा आपका होता है स्मरताज सॉरी एक मिनट दीजिए दूसरा आपका होता है श्रुतिज है ना स्मृतिज एंड श्रुतिज दोनों में क्या डिफरेंस होता है एनी वन वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्मृति एंड श्रुतिज श्रुतिज क्या होते हैं बिल्कुल लॉर्ड यस लॉर्ड बी यस है ना सो so, नचिकेता और यमराज के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उससे हमें पता चलता है फ्यूटिलिटी ऑफ द रिचुअल्स हम आपके श्रुति में क्या कहते हैं श्रुत्वा कि वेद को हम श्रुत्वा शब्द यूज करते हैं श्रुति मतलब सुनना जो सुन करके आपने आगे पहुंचाया है सो वेद जो है जब ये कंपोज किए गए तो ओरली कंपोज किए गए थे और गुरु शिष्य परंपरा के वाया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाए जाते थे राइट सुन करके सो इसका नाम पड़ गया श्रुति और जब हम वेदों की बात करते हैं तो आपके जो श्रुतिस हैं इनके अंदर आपका उपनिषद जो कि वेदांता है वेदों का लास्ट पार्ट है ना आपके जो अरण्यक्स हैं आपके जो ब्राह्मणाज हैं वो सब इसके अंदर आते हैं स्मृतिस क्या है जो आपने स्मरण किया है है ना समथिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड स्मरण है ना समथिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड और आप देखोगे कि आपके जो स्मृतिस हैं कहा जाता है कि स्मृति भी आपके जो श्रुति वेद हैं वेदांता हैं, हैं, इनसे डिराइव्ड हैं। लेकिन आप देखोगे कि इनको इतना ज्यादा ऑथोरिटी नहीं मिलता हिंदू रिलीजन के अंदर आपकी जो वेदांता की फिलॉसफी है आदि गुरु शंकराचार्य है, है ना सो आदि गुरु शंकराचार्य जो कि क्या कहते हैं नॉन डुविज्म या मोनो आ, मोनिज्म, मोनिज्म. ठीक है अद्वैत अद्वैत का मतलब क्या है यस देर इज अप्रीम बींग विच इज द अल्टीमेट रियलिटी हम सब लोग जो हैं एंड दिस एंटायर वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्प्ररी एवरीथिंग इज टेम्प्ररी सो हमारा ओरिजिन उन्हीं से हुआ है एंड फाइनली हम उन्हीं में जाके मर्ज हो जाएंगे एवरीथिंग एल्स इज इल्यूजन माया है सब कुछ अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्मा हूं मैं भी ब्रह्मा हूं है ना मैं ब्रह्मा का ही हिस्सा हूं

प्रिंसिपल uh, उपनिषद ये जो बुक है ये बेसिकली आप देखेंगे डब्ल्यू बी येट्स इन्होंने ट्रांसलेट करी है ठीक है इन्होंने ट्रांसलेट करी है और इंग्लिश में है और इनके जो को ऑथर हैं वो श्री प्रोहित स्वामी हैं तो डब्ल्यू बी येट्स जो हैं जो कि इंग्लिश थे है ना और इनका काफी इंटरेस्ट था इंडियन फिलोसफी के अंदर इन्होंने आपके जो उपनिषद हैं उनको ट्रांसलेट किया है और नाम क्या है द टेन प्रिंसिपल उपनिषद ये बुक है और ये बुक जो है ये बाइडेन को मोदी जी ने गिफ्ट करी है सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड द आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव सो करंट अफेयर्स बेस्ड आर्ट एंड कल्चर इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं डब्ल्यू बी यूट्स हैड ए लाइफ लॉन्ग फेसिनेशन विद इंडियन फिलोसफी एंड लिटरेचर द कल्बिनेशन ऑफ विच वॉज हिज को ट्रांसलेशन ऑफ द उपनिषद आपके इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एक्सप्लेन सीरीज में कवर किया था आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डब्ल्यू बी ने 1937 में है ना इंडियन जो उपनिषद है उसका English ट्रांसलेशन जो है वो पब्लिश किया और इसके जो को ऑथर है वो कौन है श्री पुरोहित स्वामी सो ए जो है उसने इसको अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है ट्विटर हैंडल पे भी डाला है अब कौन कौन से 10 आपके प्रिंसिपल उपनिषद हैं 10 प्रिंसिपल उपनिषद एक बार यहाँ देखिए ईशा कीना कथोपनिषद है ना प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद मांडुक्य तैत्र आत्रय छांदोग्य बृहद अरण्यक उपनिषद और इसमें से भी अगर आपको फोकस करना है आप चाहते हो पढ़ो तो बृहद अरण्यक उपनिषद छांदोग्य उपनिषद आत्रय तैत्रय मुंडक कथोप ये तो आपको मस्ट पता होना चाहिए ठीक है आपका जो एनवी है है ना एनवी जो है बेसिकली ये हम कहते हैं रिपूज कुछ ऐसे इमोशंस जो आपकी पर्सनैलिटी को खराब करते हैं ठीक है कुछ अवगुण तो शड रिपूज में से एक जो रिपू या हम कहते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा एक ऐसा इमोशन है ना जो आपके लिए अच्छा नहीं है सोशल हारमोनी के लिए अच्छा नहीं है आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग uh, के लिए सोशल स्टैंडिंग के लिए अच्छा नहीं है तो रिपूज रिपूज ठीक है हैं कुछ इमोशंस है जिसमें आपका एंगर भी आता है आपकी ईर्ष्या आती है ये सब कुछ तो ये जो है ये रिपूज में आएगा ये आपके उपनिषद में नहीं आएगा ये ध्यान रखना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज तो देखो वही है कि उन्होंने जैसे कि हमने कहा कि भाई लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया है ना तो सूरत डायमंड सिटी है उसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ लिया आसपास का डायमंड किस तरीके से ग्रो किया जाता है आपने उसके बारे नेचुरली कैसे होता है लैब में कैसे ग्रो किया जाता है साइंस के कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके डायमंड में काम करते हैं उसकी शाइनिंग में सो so ये सब बेसिक्स होता है इसके आसपास की चीजें आपको पढ़नी होती है एग्जाम के लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट The Mayan civilization was an ancient Mesoamerican civilization that flourished in the Yucatan Peninsula and other parts of present day Canada and Northern America. Dusra pyramids like the ones found in the ancient Egypt were an important architectural feature in the Mayan cities and served various ceremonial or religious purposes. Kalaktaapko. This statements are correct. बिल्कुल आपको केवल दस जो मेन है, है ना दस मेन उपनिषद जो है वो आपको पता होना चाहिए या, या थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा आर स्टिल ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन राइट सी, बोथ द स्टेटमेंट आर इन करेक्ट द रीजन बींग सी द मैप. ठीक है थोड़ा सा मैप देखिएगा. अगर हम की की, बात करें माया सिविलाइजेशन तो आपको, आपको है्वेटा है है, गुटामे, गुटामे, मेला है बेलीज है इस एरिया के अंदर आप देख सकते हो यहां पे और यहां क्या लिखा हुआ है नॉर्दर्न अमेरिका एंड कैनेडा सो so यस yes, अगर हम देखें तो आपकी जो मायर्न सिविलाइजेशन है है ना ये मेजो अमेरिकन सिविलाइजेशन है और प्रेजेंट डे आपका मेक्सिको है ना ग्वाटा बेलीज और जो हॉन्डियोरस अल्सलवाडो जो अदर ये सिटीज हैं ये जो आपके स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको ये सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो सो so, ये आपके कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इन्होंने मैप में मार्क किया है कैपिटल सिटी जो है उसको मार्क किया है कुछ टाउन्स को यहाँ पे मार्क किया है तो मायन वर्ल्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए अब मायन सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यस ये पिरामिड्स बनाते तो थे और इन्होंने मोस्टली जो पिरामिड्स बनाए आपके वो 300 से लेके 900 एडी वाला जो पीरियड है इस टाइम पे बनाए ये जो सिविलाइजेशन है ये अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड के आसपास भी यहाँ पे यहाँ पे थी ठीक है यहाँ पे अपेयर हो चुकी थी 1500 सो बीसी जब आर्यन हम मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ पहुंचे तो उस टाइम पे आपको ये जो मिजो अमेरिकन सिविलाइजेशन है मायन सिविलाइजेशन ये आपके इस वाले एरिया के अंदर देखने को मिलेगी सो नॉट नॉर्दर्न अमेरिका और कैनेडा पिरामिड्स का इस्तेमाल करते थे क्या करते थे लेकिन आपको यहाँ पे एक कैच है कैच क्या है आपको यहाँ पता चलेगा कि ये जो पिरामिड्स बनाते थे है ना

पिरामिड और मायन पिरामिड जो है ये आपको अलग-अलग शेप साइज में देखने को मिलेंगे और मोस्टली जो है वो कैसे थे आपके स्टेप पिरामिड्स तो इजिप्शियन पिरामिड्स को बनाने की जो टेक्निक है वो और जो टाइप है वो अलग है अगर हम मायन पिरामिड्स की बात करें तो आपको ये अलग-अलग शेप और साइज में तो मिलेंगे ही मिलेंगे स्टेप टू पिरामिड सबसे कॉमन है मटेरियल आपका स्टोन ब्लॉक से जिसको लाइम मोटार से जोड़ करके बनाया जाता था और आप क्या देखोगे कि किसका इस्तेमाल किसके लिए होता था रिलीजियस एंड कम्युनिटी लाइफ ऑफ द पीपल के लिए वहां पे आप जो पिरामिड देखते हैं है ना उसका यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पिरामिड के अंदर डेफिनेटली जो है वो किसी की ये मिलेगी है ना किसी की रिमेन्स मिलेंगे बट इजिप्शियन में हमको मिलते हैं इन जनरल तो आपको यहाँ पे क्या गलत लगा है देखो सबसे पहले बिल्कुल मायन सिविलाइजेशन है हमें टाइम पीरियड भी पता चल गया 1500 सौ बीस के आसपास अराइज हुई और 300 से 900 हंड्रेड एडी वाला जो टाइम पीरियड है उसमें इन्होंने पिरामिड्स वगैरह बनवाए जो हमें एविडेंस में मिलते हैं मिजो अमेरिकन सिविलाइजेशन है यू काटन पेनसुला में येस yes, बट आपका प्रेजेंट डे कैनेडा एंड नॉर्थ अमेरिका तो ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट इसको अगर हम देखें तो पिरामिड्स जो हैं ये मिलते तो हैं यहाँ पे मायन सिटीज के अंदर है ना सेरिमोनियल और रिलीजियस पर्पजेस के लिए इस्तेमाल भी होते थे बट ये इजिप्शियन पिरामिड जो है उनसे अलग हैं चाहे आप शेप देख लो साइज देख लो या आर्किटेक्चरल स्टाइल देख लो तो दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेंड बॉक्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी सो रिसेंटली क्या हुआ आपका जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एक पेपर पब्लिश किया है और वहां पे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के अंदर सैंडबॉक्स टेक्निक का जिक्र किया है मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है पहले बताइए क्या लगता है आपको जिन जु, जु, लोगों ने पढ़ा हुआ है चलो गाइस डू शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स हाउ मेनी ऑफ यू आर शेयरिंग दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कितने लोग इस लेक्चर को अपना व्हाट्सएप का स्टेटस बनाते हैं या अपने सोशल कम्युनिटी के साथ या अपने जिगरी दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस हैं है ना जो लोग प्रिपरेशन में हैं और सीरियस से उनके साथ शेयर करते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग हम्म यस पूर्णिमा इज डूइंगट एट दैट आई नो गाइड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट तो पहले तो इस पर फोकस करना है सेंड बॉक्स टेक्निक क्या होती है मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि केवल, uh, है कि सेंडबॉक सेंड बॉक्स टेक्निक जो है ना ये केवल आप डिजिटल कम्युनिकेशन uh, सेक्टर में यूज करते हो थोड़े दिन पहले आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी ऐसा ही एक गाइडलाइन आया था कि हम लोग क्या करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए रेगुलेटरी सेंडबॉक्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ओके थैंक यू सो मच गाइस इफ यू आर डूइंग दैट अच्छा ठीक है लेट्स सी तो देखते क्या होता है देखो अ सेंडबॉक्स इज अ सिक्योरिटी मेकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल्ड एंड आइसोलेटेड एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग पोटेंशियली अनट्रस्टेड और अननोन सॉफ्टवेयर और प्रोसेस आप देखोगे ये बिल्कुल सही है देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ उसको देखना ठीक है देखो मान लो आपने ना कोई प्रोडक्ट बनाया या कोई सर्विसेज जो है उसने आपने वो डेवलप करी अब आप उसको लाइव टेस्ट करते हो मेरी बात को ध्यान से सुनना है ना मान लीजिए आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में हैं या सर्विसेज के में है, सेक्टर में हैं और अब आपको उसको लाइव टेस्ट करना है अगर मान लो एक तरीका तो क्या होता है कि आपने जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाया आपने उसको लाइव टेस्टिंग के लिए डाल दिया आपका पूरा सिस्टम जो है उससे एक्सपोज है है ना? सारा डेटा सारे सिस्टम के आपके रिसोर्सेज उसको एक्सेसिबल है इसमें चांसेस क्या है अगर मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया है या जो सर्विसेज बनाए हैं उसमें कोई एरर आता है और वो कोई ऐसा चेंज कर दे आपके डेटा के अंदर या आपके जो बाकी सिस्टम के अंदर और चीजें हैं उसके अंदर कि वो भाई आप करेक्ट भी ना कर पाओ तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ मान लीजिए कि, कि कोई सॉफ्टवेयर है या कोई मालवेयर का कोड आपको मिला है अगर आपने यहाँ पे सिस्टम में उसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे के रन करवा दिया तो आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो सकता है बट येस इनोवेशन इज द की फॉर ग्रोथ अगर आपको इनोवेशन करना है तो कुछ ना कुछ फटेगा भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है ना आपने कोई कोड लिखा प्रोडक्ट क्या है मैं अगर मान लीजिए फिनटेक कंपनीज है ठीक है जो फिनटेक सेक्टर में कंपनीज होती हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स देती हैं अपने क्लाइंट्स को अब आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया और आपने उस पर लॉन्च करना है आप लाइव टेस्टिंग करते हो तो आप उसमें क्या करेंगे आप कोशिश करते हैं कि आप जो लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं आप अपना जो सिस्टम है उसका केवल लिमिटेड डेटा और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका एक्सेस दें इसको ताकि आप टेस्टिंग तो कर लें लेकिन आपका जो बाकी डेटा और सिस्टम के रिसोर्सेस हैं वो सेफ रहे उनको कोई थ्रेट ना पहुंचे सो so, यही टेक्निक होती इन कंप्यूटर सिक्योरिटी अ सेंडबॉक्स इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर सेपरेटिंग द रनिंग प्रोग्राम्स ठीक है फॉर सेपरेटिंग द रनिंग प्रोग्राम्स इट इज ऑफन यूज टू एक्सिक्यूट अनट्रस्टेड यूजर्स और अनट्रस्टेड वेबसाइट्स इन अ वर्चुअल एनवायरमेंट एनी एक्शन टेकन बाय द सस्पिशियस वायरस प्रेजेंट इन दिस विल नॉट अफेक्ट और सिस्टम मोस्ट ऑफ द केसेज नॉट ऑलवेज कभी कभी हो सकता है कि आपने जो सेंड बॉक्स रेगुलेटरी मैकेजम बनाया है कि जब हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे तो इतना डेटा का एक्सेस देंगे सिस्टम के रिसोर्सेज का इतना एक्सेस देंगे वो आपने अपनी सोच के हिसाब से बनाया है बट हो सकता है आपका जो प्रोग्राम है है ना वो आ, इस तरीके से डेवलप किया गया हो कि आपका जो बाकी डेटा है उस तक भी पहुंच जाए आपने जो सिक्योरिटी वॉल डेवलप की थी उसको ब्रीच करके ऐसा हो सकता है सो so, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए अ सेंड इज अ सिक्योरिटी मेकेनिज्म बिल्कुल दैट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल्ड एंड आइसोलेटेड एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग पोटेंशियली इंटरेस्टेड जैसे कि आपने कोई नया प्रोग्राम लिखा है है ना कोई नया प्रोग्राम लिखा है आपके प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए या फिर कोई मालवेयर है है ना अननोन सॉफ्टवेयर है या कोई अननोन प्रोसेस है आपको नहीं पता उसके रिप्रकॉशन क्या क्या हो सकते हैं आप नहीं चाहते कि उसका कोई भी अन जो बोलते हैं ना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वैसा कुछ रिजल्ट रहे आप नहीं चाहते वैसा भी कुछ भी तो आप क्या करेंगे आप सेंडबॉक्स मैकेनिज्म का यूज करते हैं तो अभी आरबीआई ने भी यही कहा है उन्होंने कहा हमें फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेश तो चाहिए है ना और अगर इनोवेशन करने हैं तो कोड वगैरह लिखने होंगे प्रोग्राम वगैरह ये सब डिजाइन करना पड़ता है बट हम पूरे सिस्टम के डेटा को रिसोर्स को एक्स, आ, एक्सपोज नहीं कर सकते बट हाँ लिमिटेड हम जो है वो एक्सेस दे सकते हैं सो so, हम क्या करेंगे बाउंड्री वॉल डिजाइन कर लेते हैं ताकि बाकी हमारा डेटा या सिस्टम के रिसोर्सेज ब्रीच ना हो और हमारा जो प्रोग्राम को हमें टेस्ट करना है है ना जो इनोवेशन के लिए नेसेसरी है वो भी हम करते रहें सेंडबॉक्स इंक्लूड्स मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज टू ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ़ द कोड बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ट्रैकिंग सिस्टम कॉल्स फाइल एक्सेसेस, नेटवर्क एक्टिविटी एंड अदर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। सो यस है ना आपका जो भी सेंडबॉक्स होगा इसमें क्या होगा कि सेंडबॉक्स बेसिकली है क्या नॉर्मल है ना आप कोई प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेस आपने बनाए उसके पीछे कोड होता है आप उसको रन करते हैं बट आप अपना पूरा सिस्टम का डेटा उससे एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं या हो सकता है वो आपने नहीं बनाया आपके पास कोई मालवेयर आ गया है आपको देखना है उसको किसका क्या इम्पैक्ट होता है तो हम सेंडबॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पे क्या देखेंगे वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्सिंग है ना कंटेनराइजेशन सैंडबॉक्सिंग एप्लीकेशन लेवल सैंडबॉक्सिंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी सैंडबॉक्सेस बॉक्स तो सेंडबॉक्स का बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए पर्पज क्या है राइट right? ये मैंने आपको समझा दिया बाकी अलग अलग टाइप के होते हैं ये स्टेटमेंट क्यों गलत है सेकेंड वाला इसको एक बार देखते हैं यहां क्या लिखा है बाय एक्सिक्यूटिंग अनट्रस्टेड कोड विद इन विदिन अंटबॉक्स यूजर्स कैन मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद मालवेयर वायरसेस एंड अदर मेलिशियस एक्टिविटीज कंप्लीटली सी यहाँ पे यह कंप्लीटली नहीं होता ना तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता बट कोई भी टेक्निक जो होती है वो फुल प्रूफ नहीं होती है सो so, जो आपकी सेंडबॉक्स टेक्निक है जिसके वाया हम कोई अननोन प्रोसेस प्रोग्राम या सर्विस को रन करते हैं उसको लाइव टेस्ट करते हैं है ना तो उसका भी क्या होगा हमें नहीं पता हमने भले उसको सेंडबॉक्स के अंदर टेस्ट किया है बट हो सकता है उसके कुछ कोई भी टेक्निक फुल प्रूफ नहीं होती है तो हो सकता है हमारा प्रोग्राम प्रोसेस या कोड जो है वो हमारी ये जो बाउंड्री है उसको ब्रीच कर जाए और सिस्टम के बाकी डेटा को और रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचा दे रिस्क इज ऑलवेज देयर कंप्लीटली नहीं करता हाँ मिटिगेट कर देता है रिस्क को मिटिगेट करता, करता है ठीक है चलो सो so, सेकेंड आपका गलत थे because of the state, जो आपका completely लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफर कंसिडर दिन ऑफ द ट्वेंटी अमीनो एसिड कंसिडर्ड इसल फॉर लाइफ ऑफ दाइफ ऑन अर्थ रिसेंटली इट हैज डिस्कवर्ड stellar सिस्टम designated एस IC 348 विद इन Perseus molecular क्लाउड ठीक है विद इन molecular cloud. क्लाउड दिस इज first टाइम that एनी amino एसिड हैज been डिटेक्टेड विद इन स्टार फॉर्मिंग रीजन क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट है आज के क्वेश्चन काफी डाइवर्सिफाइड है है ना सो so, यहाँ पे आपके उपनिषद भी आ गए आपकी मायन सभ्यता भी आ गई ठीक है सो हिस्ट्री आ गया है ना अगर आप यहाँ पे देखो सेंट बॉक्स टेक्निक आ गई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो आपका फिनटेक सेक्टर है आपका और भी कोई बाकी सेक्टर्स हैं अगर यहाँ पे आपको इनोवेशन वगैरह करने हैं तो लाइव टेस्ट तो करना है बट आप यहाँ पे रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हो जो आपके सिस्टम को या डेटा को नुकसान पहुँच सकता है तो आप क्या करते हैं एक आउटर बाउंड्री वॉल यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं कि इतना ही एक्सेस हम इसको देंगे अमीनो एसिड रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहां पे अगर हम देखें तो अमीनो एसिड्स एमिनो एसिड्स क्या होते हैं एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आपको अगर मैं बताऊं तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको क्यों चाहिए होती है है ना अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपनी जो टिश्यू है बॉडी के उनको ग्रो करना है उनको रिपेयर करना है है ना ये आपके हॉर्मोन्स भी बनाते हैं ब्रेन के केमिकल्स भी बनाते हैं ये आपके एनर्जी के सोर्स हैं आपके नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम को सस्टेन करने के लिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मसल्स को बिल्ड करने के लिए हेल्दी स्किन हेयर नेल्स तो प्रोटीन राइट सो प्रोटीन होता है, है ना और प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड होता है

कॉन्स्टेलेशन है पर्सियस कॉन्स्टेलेशन जो है उसके स्टार वाले रीजन के अंदर जिसको हमने नाम दिया है आईसी थ्री फोर एट और ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अमीनो एसिड जो है वो हमने किसी स्टार फॉर्मिंग रीजन के अंदर पाया है सो so, यहां पे अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये किसी लाइफ की तरफ इंडिकेट करता है हमें क्या कोई एक्जो प्लैनेट है? है ना सो so, अगर किसी स्टार के आसपास में आपको अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा कि क्या इस स्टार के आसपास कोई प्लानिट है जो हमारे प्लेनेट्री सिस्टम से बाहर है हमारे सोलर सिस्टम से एग्जो है और वहां पे लाइफ है उसके एविडेंस है या लाइफ की पॉसिबिलिटी है राइट सो so, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो रिसेंटली ऐसा हुआ है ठीक है सो आपका जो पर्सियस कॉन्स्टेलेशन है यहां पे एक स्टार के आसपास जो स्टार फॉर्मिंग रीजन है आईसी थ्री फोर एट जिसको नाम दिया है यहां पे हमें ट्रिप्टोफेनिक अमीनो एसिड मिला है सो so क्या यहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या पोटेंशियलिटी है ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं इससे सो so सारे करेक्ट हैं नाउ दिस क्वेश्चन ठीक है सरमार्ट आपसे क्या पूछा है वरम समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली आपको सरमार्ट जो है वो न्यूज में देखने को मिलेगा एक दो के दिन के न्यूज पेपर्स में आपको बताना है ये सरमार्ट क्या है न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बेलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप्ड बाय रशिया इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया माउंटेन पीक लोकेटेड इन नेपाल सेटेलाइट लॉन्च बाय क्या लगता है फटाफट से

क्वेश्चन नंबर एट विच इज फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाई रशिया आप यहां पर न्यूज में देख सकते हैं है ना ये आपके बाईस जून की न्यूज है मिसाइल फॉर कॉम्बेट ड्यूटी पुतिन सो ये आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल है ना मिसाइल है

अंबुबाची मेला के बारे में क्वेश्चन है। फटाफट से बता दो। इट इज सेलिब्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर दिवाली इन असम दिस मेला इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द तांत्रिक शक्ति कल्ट प्रेवलेंट इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया क्या लगता है आपको क्या करेक्ट है इसमें से <clears throat> गाइस क्विकली आंसर प्लीज एंड अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करते जाइएगा ट्वेल्व फिफ्टी हो गया है बच्चों जल्दी करो हमारा टाइम खत्म हो चुका है देखो आपको अम्बुबाची मेला के बारे में पता होगा शायद मुझे लगता है है ना मैंने आपको कभी कभी आर्ट एंड कल्चर अगर पढ़ाया पढ़ाया है आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे वुमेन और जो उसकी मैं साइकिल है उसको ये इवेंट सेलिब्रेट करते हैं विच इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ वरना मैं साइकिल को टैबू बना दिया है है ना पीरियड्स को टैबू बना दिया गया राइट सो so, आप देखोगे कि आपके असम में जो कमाख्या देवी का मंदिर है ये जो मंदिर है इसमें जो वन ऑफ द देवी शक्तिज है ना कमाख्या मंदिर जो है यहाँ पे अम्बुबाची मेला जो है ये लगता है और ये बेसिकली कहते हैं कि ये फोर डे फेस्टिवल है है ना अभी बाईस जून को शुरू हुआ था आपका आज छब्बीस हो गई आज हो जाएगा कम्प्लीट तो आप देखोगे की ये जो अम्बुबाची मेला है इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कहा जाता है कि ये वो पीरियड है जब गॉडेस कमाख्या जो है शी इज ब्लीडिंग शी इज अंडर गोइंग हर मैं साइकिल आपका जो तांत्रिक कल्ट है तांत्रिक शक्ति कल्ट है ना बिल्कुल उससे ये जुड़ा हुआ है और जब मैं आपको कह रही हूँ कि अभी है तो ऑब्वियसली दिवाली के बाद तो नहीं होगा तो आप क्या देखेंगे आपका फर्स्ट सही है आपका थर्ड सही है ओनली टू पेयर्स ये आप देख सकते हो मैं क्लास में आई ना उसके थर्टी टू मिनट पहले ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है टाइम्स नाउ का अंबुबाची मेला ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पिलग्रिम्स फ्लॉक टू कमाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी टू ऑफर द प्रेयर्स ठीक है सो कमाख्या मंदिर असम के अंदर है और वन ऑफ द देवी शक्तिज और यहाँ पे आपका एनुअल अम्बुबाची मेला लगता है ठीक है जहाँ पे अलग अलग पार्ट से लोग आते हैं इवन फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं और ये आपका तांत्रिक शक्ति कल्ट से जुड़ा है रिसेंटली आपका कैनरी द्वीप या जो कैनरी आइलैंड्स है इट हैज बिन इन द न्यूज ये कहाँ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन साउथ इंडियन ओशियन या साउथ पेसिफिक ओशियन और मुझे बताओ कैनरी आइलैंड्स रिसेंटली न्यूज में क्यों हैं? व्हाई इट इज इन न्यूज बिल्कुल लोग बहुत दूर दूर से आते हैं अटलांटिक ओशियन वेरी गुड ठीक है यस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सो आप क्या देखेंगे ये आपका अफ्रीकन कोस्ट है है ना ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट है यहाँ पे आपका स्पेन है ना पोर्चुगल ये सब है यहाँ पे और आप क्या देखोगे कि आपका जो पोर्चुगल एक मिनट इसको सही कर देते हैं आपका पोर्चुगल है ना सही बना देते वरना कहेंगे मैम पता नहीं क्या बना के गई है स्पेन है यहाँ पे यहाँ पे स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और आप क्या देखेंगे कि कैनरी आइलैंड्स जो है ये अफ्रीकन जो आपका वेस्ट कोस्ट है सॉरी है हाँ ना वहां पे वेस्ट बोला था दिस इज वेस्ट कोस्ट ऑबवियसली आपका जो अफ्रीकन वेस्ट कोस्ट है यहां पे आपको कैनरी आइलैंड्स देखने को मिलेंगे यार ये करेक्ट कर लेना है ना वेस्ट कोस्ट है ठीक है सो वेस्ट कोस्ट पे आपको यहाँ पे अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे कैनरी आइलैंड्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपका पोर्चुगल है स्पेन है और आप देखोगे कि यहाँ पे ये कैनरी आइलैंड्स न्यूज में क्यों है एनीवन स्कैम नहीं ड्यू टू सम रीजन यहाँ पे एक बोट जो है वो कैप्साइज कर गई है ठीक है बोट के डूबने की खबर आई है जिसमें माना जा, जा आईलैंड टेरिटरी में आता है स्पेन की टेरिटरी में आता है और यह कहा है ऑब्वियसली अगर इस, इस एरिया की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका नॉर्दर्न एटलांटिक ओशियन है यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है ठीक है

मेड्रिड से इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां मेड्रिड है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी दिस इज साउथ वेस्ट राइट साउथ वेस्ट में लोकेटेड है तो ऐसे आपको चीजें पता होनी चाहिए थोड़ी सी चलो मेरी तरफ से इतना टाइम खत्म हो गया है आ, बाकी कल सुबह मिलते हैं सेवन थर्टी ए एम एडिटोरियलिस के लिए एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि डू शेयर दोज लेक्चर्स टुडे आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन माय क्लास एंड आई एम वेरी हैप्पी है ना सो so, अगर टीचर इज हैप्पी